नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक शेर समाचार से। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं हमारे साथ, ये परेशान हैं। इनको रिजल्ट आउट होने के बाद अब तक मार्कशीट्स जो हैं वो नहीं दी गई हैं। अब क्या कारण है ये, क्योंकि कोरोना काल भी रहा है तो हो सकता है इसकी वजह से कोई कामकाज पे असर पड़ा हो, लेकिन पिछले से कुछ समय से देखें तो कामकाज तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अब इनको मार्कशीट्स क्यों नहीं दी गई, या क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाले भूल गए हैं कि मार्कशीट्स भी रिजल्ट आउट होने के बाद देते हैं, वो कोरोना की वजह से हो गया होगा थोड़ा डिस्टर्बेंस, लेकिन ये पूरी बात बताएंगे। प्रतीक रहना है हमारे साथ। अच्छा राणा साहब, क्या हो गया, क्यों आपको मार्कशीट्स नहीं दी जा रही? ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कुछ थोड़े से विद्यार्थी हैं, कोई 400 विद्यार्थी होंगे, उनके साथ ज़्यादा प्रेम है। पिछले 10 महीने से आप कह सकते हो जनवरी का रिजल्ट निकला हुआ, आज 8 महीने हो गए हैं, 9वां महीना लगने वाला है। यहाँ पे हमसे ज़्यादा ही प्रेम करके बैठे हुए हैं, आधों का रिजल्ट निकाल दिया, तराजू में तोल के बैठे हैं इधर विद्यार्थियों को। मार्कशीटें भी दे दी उनको, आधों को मार्कशीटें भी दे दी हैं। आधों का रिजल्ट है सितंबर का, उनको मार्कशीटें नहीं मिली हैं। आधों का रिजल्ट है जनवरी का, जैसे मेरे भाई जनवरी में रिजल्ट जिनका आया उनको मार्कशीटें नहीं दी हैं। 350 से 400 विद्यार्थी इन्होंने खज्जल किया है, मतलब उनसे इतना प्रेम किया कि उनको आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहते, उनकी गाड़ियां ही रोक दी हैं कि बच्चे विद्यार्थी आगे पीजी में के लिए अप्लाई नहीं, कोई डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहे कहीं एडमिशन ना ले पाए। क्योंकि आपको पता है जब 12वीं का विद्यार्थी पास होता है तो अपनी 12वीं की मार्कशीट लेके कॉलेजेस में जाता है, ऑनलाइन डाटा सबमिट करवाता है कि मैं 12वीं पास हो गया, मैं कॉलेज एडमिशन लेने जा रहा हूँ। अब जो क्लस्टर का विद्यार्थी पास होके जाएगा वो आगे क्या दिखाएगा, मैं पास कैसे हुआ, मार्कशीट तो हाथ में ही नहीं है। मतलब ये धोखाधड़ी करने में क्लस्टर का आला अधिकारी इसमें मुख्य तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं के कारण ये जो क्लस्टर की हमारी मार्कशीटें हैं, 2017 का बैच है, सबसे पहला बैच है क्लस्टर का, जब क्लस्टर स्टार्ट हुई थी जम्मू के अंदर। आपको पता है इससे पहले ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर चलती थी, उसके बाद क्लस्टर एक बनी, उसके अंदर ये कॉलेजेस आए जो जम्मू के कॉलेजेस थे, तो जम्मू के ये जो 4-5 कॉलेजेस हैं वो आए। उसके बाद आए दिन कड़ी धूप में संघर्षों का सामना करते हुए विद्यार्थी इन्हीं रोडों से जाते हुए धरना प्रदर्शन, कभी क्लस्टर यूनिवर्सिटी, कभी वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर, कभी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गांधीनगर के बाहर, आए दिन सिलेबस को लेकर, चाहे अपनी पढ़ाई को लेकर, लेक्चर्स को लेकर, मटेरियल्स को लेकर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पंगा आए दिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी में पड़ा रहता है। विवादों से घिरी हुई क्लस्टर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है विद्यार्थियों को मुहैया कराने के लिए, कोई सुविधा नहीं है विद्यार्थियों को, इनको फंड्स नहीं आ रहे, सब कुछ आता है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको नहीं आता। ऊपर से यूटी बना हुआ, आप क्या कह रहे हो इनको फंड्स नहीं आ रहा, कितने फंड्स, इनकी तनख्वाहें कहाँ से आती हैं फिर अगर इनको फंड्स नहीं आ रहा? विद्यार्थी कितना ही पैसा देता होगा, 10-12 हज़ार रुपया हर सालाना फीस बढ़ा देते हैं, 500 हज़ार रुपया 10% फीस बढ़ाते हैं, फंड्स नहीं आ रहा, इतना पैसा आ रहा है बैठ के घर पे खाएं ना तब भी नहीं खत्म होता, इनको इतने फंड्स आ रहे हैं। आपको पता है पीडीएफ के थ्रू पढ़ाते थे, पिछले 3 सेमिस्टर हैं जो फर्स्ट, जैसे पिछले साल की जो एडमिशन हुई है, फर्स्ट सेमिस्टर था, सेकंड था, थर्ड है, तीनों सेमिस्टर की ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, सबके ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं। अभी कल बच्चे रो रहे थे, सिर मार रहे थे क्लस्टर यूनिवर्सिटी के उधर जाकर, 40% सिलेबस रखा हुआ था उनको भी फेल कर दिया। नहीं, ये कौन से आप सैम की बात कर रहे हो जिसकी मार्कशीट नहीं दे रहे हैं? ये जी जो पास आउट हो गए हैं स्टूडेंट, जो 2017 का बैच है उनकी 2020 में डिग्री खत्म होती है ना, उनको मार्कशीटें नहीं मिली हैं, जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, हाँ उसको 350 विद्यार्थियों को मार्कशीटें नहीं मिली हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं कि आप लोग ना जाओ? ये चाहते हैं कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है, आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्या करोगे IAS YAS बन के, या तैयारी करके कोई पुलिस में भर्ती होगा, फौज में भर्ती होगा, कोई एग्जाम की तैयारी, कोई जरूरत नहीं है। बहुत महान लोग हैं ये, ठंडे एसीओ की कुर्सियाँ, एसीओ में बैठ के कुर्सियाँ गर्म कर रहे हैं, बहुत महान लोग हैं। उनको मैं मुख्य तौर पर ये बात कहना चाहूँगा, कड़वी लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, हमने तो अपनी बात रखनी है, और मीडिया एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है विद्यार्थियों के आगे बात करने के लिए। हमारी सीधे मांग है कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वो हमारी मार्कशीट हमें उपलब्ध करवाई जाए। हम जॉइंट कंट्रोलर के पास जाते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं होते, हमें विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि आओ हमें मार्कशीट नहीं मिली, दूर दराज का क्षेत्र का विद्यार्थी है, सारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू का विद्यार्थी तो पढ़ नहीं रहा, अब वो रोज़ किराया खर्च के आएगा यहाँ पे मार्कशीट का पता करने, तो इन्होंने तो रोज़ उसको खज्जल ही करना है। ऐसा तो नहीं कि कोरोना काल था तो कामकाज ठप था, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो रहा हो?
कोरोना था तो कोरोना चले भी गया ना भाई साहब, कोरोना जून से खुल गया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन के वैक्सीन लग गई हैं, अब कौन सा कोरोना है, खुले आम लोग फिर रहे हैं, अब कौन सा कोरोना है मेरे को बताओ ना। और तीन जब बात की थी इनसे हमने, हाँ दिल्ली से आ रहा है, जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था हमारी बातचीत हुई है ना, हाँ दिल्ली से फ़ोन हो गया, मार्कशीटें आ रही हैं आपकी। और भाई दिल्ली कितने दूर दिल्ली में फ़ोन कर रहे हो जो अभी तक मार्कशीटें नहीं आई, और कोरोना सबके लिए, हमारे लिए तो नहीं है ना, उस 350-400 विद्यार्थियों के लिए कोरोना नहीं है ना जिनकी मार्कशीट रोकी हुई है। कितना विद्यार्थी पढ़ता है, 3500-4000 विद्यार्थी एमएम कॉलेज में है, साइंस कॉलेज में, कॉमर्स कॉलेज में, गांधीनगर वुमेन कॉलेज में विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी है, मतलब 350 क्यों उठका के रखा आपने। और जब हम जाते हैं, आप बड़े डिले हो गए, आप इतने लेट हो गए, भाई हमने आपको बताना है कि हमारी मार्कशीटें नहीं, आपको नहीं पता क्या, अब क्या बैठ के उधर डामाडोल क्या कर रहे हो विद्यार्थियों को बेवकूफ बना रहे हो। ये जो 300-400 बच्चों की बात कर रहे हो, कोई ऐसा तो नहीं कुछ झगड़े वगड़े किए हैं और ये कहते हो कि नहीं 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 इनको आगे मत भेजो, इनको रोक के रखो, या कोई राजनीति पीछे चल रही है कि ये लोग नहीं ठीक नहीं, इन्होंने हमारे खिलाफ बोला तो इनको रोक दो। देखो भाई साहब बात ऐसी है दीपक जी कि इनके बच्चे हो ना उनसे प्रेम ये बहुत ज़्यादा करते होंगे मैं मानता हूँ, हम तो पराए हैं, हमसे भी इतना प्रेम कर रहे हैं कि हमें अटका के रखा हुआ है इन्होंने, इतना प्रेम क्यों रख रहे हैं हमसे, छोड़े हमें। अपने बच्चे भी इन्होंने रोके हुए, अपने बच्चे कभी रोकता कोई मेरे को बताओ, इतना प्रेम करके कभी रोकेगा कोई मेरे को बताओ। आपका आपका बेटा पढ़ रहा होगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, आप आला अधिकारी हो गए, आप कभी बोलोगे उसकी मार्कशीट 2 दिन भी लेट हो, मेरा बच्चा जल्द से जल्द मार्कशीट लेके दूसरी यूनिवर्सिटी, और उन्होंने तो अपना बच्चा यहाँ रखा ही नहीं है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, कोई कोची कोई कहीं तो कहीं पढ़ रहा है, जलंधर चंडीगढ़ पढ़ रहा है, इधर क्यों पढ़ाएंगे, उनको पता नहीं इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है, आए दिन बुरा हालत है, कभी बच्चा उधर खज्जल हो रहा है, कभी उधर खज्जल हो रहा है। अभी आप जाके देखो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जब हम गए थे 11 बजे तब तक पहुंचे नहीं थे, हमारी बात होती है हमें कहते हैं हम साइंस वाले मीटिंग कर रहे हैं, अरे कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, हमारी मार्कशीटें दो, हम भी अपना बोरी मिस्त्रा लेकर अपनी अगली रणनीति तय करें, हमने भी आगे की फ्यूचर अपनी तैयारी रखनी है, कुछ करना है, कोई एडमिशनें लेनी है, बच्चों के फॉर्म निकल रहे हैं, एसआई के फॉर्म आ रहे हैं, लोगों ने लगाने हैं, कहीं एडमिशनें लेनी, 100 चीज़ें होती हैं। आप एडमिशनों एक तो 3 साल पता नहीं कैसे निकाले हमने, आए दिन यहाँ पे ही रोडों में धरना दे दे के अपनी किताबों के लिए लड़ते थे, कभी किसी ना किसी के लिए लड़ते थे, संघर्ष कर करके हमने 3 साल निकाले, उसके बाद आ जाके फिर माथा टेकना पड़ रहा है, मार्कशीटें नहीं दे रहे, या तो होना हम फेल होके बैठ गए हुए, हमें पेपर नहीं पास हमारे, जब पूरा रिजल्ट आउट है, सब क्लियर है, फ्रेम में पूरी चीज़, फिर भी आप डिले कर रहे हो। मैं मुख्य तौर पर चुनौती देता हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी के आला अधिकारियों को, अगर विद इन 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की तो उसका भुगतान क्लस्टर यूनिवर्सिटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी जानता क्या होगा, कंट्रोलर जॉइंट कंट्रोलर भी जानता है, डीन अफेयर जो भूपिंदर सिंह सर हैं वो भी जानते हैं, हमारे चेहरे नहीं भूले हुए हैं, हमें अच्छी तरह जानते हैं वो, कि उनसे पहले भी क्या होता है जब विद्यार्थियों की कोई मांग नहीं मानी जाती तो कैसे उंगली टेढ़ी करके विद्यार्थी अपना हक जानता है कैसे लेना है। अगर ये 1 हफ्ते के अंदर नहीं करते, माननीय अलजी साहब से भी अपील करता हूँ कि आले अधिकारियों पे नकेल कसी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मैं यही अपील करता हूँ। एक मार्कशीट की अपील नहीं कर रहा, 350-400 मार्कशीट की अपील कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी दूर दराज का क्षेत्र में बैठा हुआ है, जब वो जम्मू में आता है खर्चा करके, यहाँ पे खाना पकाने वाला कोई नहीं है, किधर पीजी में रहेगा, लोग कोरोना की वजह से लोग रख नहीं रहे हैं, कितनी दर दर की ठोकरें खाकर वो विद्यार्थी यहाँ पहुँचता है, और आगे रिस्पॉन्स जब 0 होता है तब उस विद्यार्थी पे क्या बीतती है, उन विद्यार्थियों के कारण ही आज हम यहाँ पे उतर के आए हैं, क्योंकि उनके मैसेजेस हमें पहुँच रहे हैं, बार बार मेलें कर रहे हैं, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्स 0 है। मैं इस मुख्य चुनौती देता हूँ कि अगर जल्द से जल्द इस पे 1 हफ्ते के अंदर कोई निर्णय नहीं निकाला तो वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन को पता है इसका भुगतान क्या होगा। धन्यवाद, शुक्रिया। तो कंट्रोलर से हमने भी बात की थी और वो ये कहते हैं कि कोरोना काल की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, और उन्होंने ये कहा कि इस कार्य में एजेंसीज काम कर रही हैं, और ये एजेंसीज पता नहीं कब काम कर रही हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आज मैं इनसे वापस से बात करके पूछता हूँ कि क्या इन्हें मार्कशीट्स दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, और दी जाएंगी तो कितने समय के बाद दी जाएंगी। हमें लगता है ये ढीला ढाला रवैया, इसको चेंज करना चाहिए, और आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट आउट हो गया तो जल्द से जल्द मार्कशीट्स जो हैं वो बच्चों को दी जाएँ, इस तरह के डिले का कारण हमें समझ नहीं आता। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि 1 सप्ताह के अंदर आपने कार्य नहीं किया तो फिर उसका भुगतान जो भी होगा वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी को के जो आला अधिकारी हैं वो अच्छे से जानते हैं। बाकी आप देखते रहे दैनिक शहर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत, नमस्कार।